लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने कानून व्यवस्था को लेकर हिंदी खबर से खास बातचीत करी। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, इसके बाद से नए नए आपको जो तरीके पुलिस के दिख रहे हैं, जो फायदा पहुंचा रहे हैं आम जनता को, वो आपको नजर आ रहा है। और ऐसे में उस शख्स से बात करना बहुत आवश्यक है जो इन सबके पीछे कार्य कर रहा है। सुजीत पांडे हैं जो पुलिस आयुक्त सर ऐतिहासिक है, लेकिन इतना अनुभव और इसके बाद लखनऊ जैसी संवेदनशील जगह का दायित्व मिला है, कैसे सर निभा रहे हैं? ये एक नया दायित्व है और कमिश्नर प्रणाली यहाँ पर लागू की गई है। जो मैं पहले दिन कहा था, हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि हम सिटीजन सेंट्रिक जितनी सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी में बहुत इम्प्रूवमेंट ले आए। घटना कभी हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट एक फियर का वातावरण न रहे थोड़ा भी। पहले भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट हो कि हमको ये फीलिंग हो कि पुलिस है। इसीलिए आप देखिएगा कि विजिबिलिटी बहुत बढ़ी है, जो आप कह रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ ट्रैफिक। विजिबिलिटी में हमने लगभग 120 गाड़ियां जहां तहां से तोड़ी हैं, कुछ 112 से मिली हैं, और इनको हमने रोड पर डिप्लॉय किया है। उसी तरह जो हमारी दूसरी कोशिश है ट्रैफिक की, उसमें जितनी स्ट्रेंथ थी लखनऊ की, उसको हमने डबल से भी ज़्यादा किया हुआ है। उस दूसरी कोशिश यह है कि जो रेड लाइट्स नहीं ऑपरेशनल हैं, मैं बता सकता हूं आपको कि 15 मार्च तक इसमें लगभग 150 स्थानों पर रेड लाइट्स ऑपरेशनल हो जाएंगी हमारी। थर्ड पूरे दुनिया में इसको आजमाया गया है कि सीसीटीवी कैमरास डिफरेंट तरह की जो हैं, इनको यूज करके आप ट्रैक डाउन करते हो, वह भी यहां 15 मार्च तक, बिकॉज मैं लगातार परसू कर रहा हूं, हर एक डिपार्टमेंट से कर रहा हूं, काफी राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई, यह हो जाएगा। फोर्थ हमारे बिहेवियर का है, वी आर ट्राइंग कि हम कर ले जाएं और लोगों को यह फील हो कि देयर इज अ सर्टेन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पब्लिक। वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स वुमेन क्राइम, और आपको यह शायद 3-4 दिनों में फिर एक बड़ा रोल आउट जब होगा पैकेज, जिससे हम कर से करेंगे, तो आपको पता चलेगा। सर, हिंदी खबर से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो कमिश्नर जो पुलिस आयुक्त हैं सुजीत पांडे, उनका कहना है कि अपराधियों को अब और डरने की जरूरत है, क्योंकि अब जो पुलिस है वो और ज्यादा मजबूत है, और ऐसे में योगी सरकार के जो मंसूबे हैं उस पर लगातार जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है वो लगातार दिख रहा है, और अब आगे और भी परिवर्तन दिखने की उम्मीद है। अनुज हनुमत, हिंदी खबर, लखनऊ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।